डेरा गाजी खान पंजाब में एक बहुत बड़ा शहर है और एक डिवीज़न है, एक ज़िला है। इसकी सैर हम आज करते हैं और ये डेरा गाजी खान का शहर है और इस सैर के साथ साथ मैं आपको ज़बरदस्त मालूमात भी दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए न सिर्फ ये कि मुफीद होंगे बल्कि आप इस सैर को बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपको मौका मिल जाता है इस शहर जाने को या आपका इरादा है शहर में जाने का, तो आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मालूमात आएंगी। तो आप इसको देखिए, सैर भी करें और मालूमात भी ले लें। डेरा गाजी खान पाकिस्तान की सूबा पंजाब में एक डिवीज़न है जो जुनूबी पंजाब में वाक़िया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब का एक हिस्सा जिसको जुनूबी पंजाब कहा जाता है, तो डेरा गाजी खान जुनूबी पंजाब में वाक़िया है। सिंध की तरफ से आते हुए कश्मीर और फिर राजनपुर के बाद ये मेन जीटी रोड पर वाक़िया है। यानी अगर आप उस तरफ से आते हैं तो फिर इस तरह ये वाक़िया है, जबकि दूसरी तरफ से यानी अगर आप लाहौर और इस तरफ जंग की तरफ से जाते हैं तो फिर आप लैया जाएंगे और लैया से फिर डेरा गाजी खान, फिर राजनपुर और कश्मीर, इस तरह ये मेन रोड पे वाक़िया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म डीजी खान है, यानी डेरा गाजी खान या डीजी खान, ये एक ही नाम है। लोकेशन के लिहाज से ये पंजाब के जुनूबी मगरब में, जबकि दरियाई सिंध के मगरब में ये वाक़िया है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 19वां बड़ा शहर है, जिसकी आबादी यानी इस शहर की आबादी है 3,99,064 नफूस पर इसकी आबादी मुश्तमिल है। मौसमी एतबार से ये एक गर्म इलाका है, जबकि सर्दी में भी सर्दी की शिद्दत कम होती है। ताहम इसका इलाका फोर्ट मनरो, जो इस तरफ पंजाब के किनारे पर वाक़िया है, इसका मौसम निस्बतन मोतदिल रहता है। एक तरफ कोह सुलेमान और उसके साथ इसका रेतीला मिट्टी की वजह से छोटे मोटे हवाओं की तूफान आते रहते हैं। इस शहर की बुनियाद बलूच कबाइल ने 1474 ईस्वी में रखी, यानी 1474 में, और इसका नाम हाजी खान मेरानी के बेटे गाजी खान के नाम पर डेरा गाजी खान रखा गया। मेरानी ख़ानदान के 15 हुक्मरानों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की। मुग़ल दौरे हकूमत में डेरा गाजी खान सूबा मुल्तान का हिस्सा था। 19वीं सदी के अवाइल में जमान खान इसका हुक्मरान था, जो तख्त काबुल के ज़ेर तसल्लुत था। ताहम बाद में सिख कमांडर खुशहाल सिंह, जो रंजीत सिंह का एक जर्नेल था, ने मुल्तान से हमला करके डेरा गाजी खान को सिख हुक्मरानी में लाया। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। अब ये एक डिवीज़न है और ज़िला है और डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के इकदामात की सूरत में 2012 में यहाँ गाजी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। दूसरी यूनिवर्सिटी में मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ला तादाद कॉलेजेस और स्कूल्स है। यहाँ के मशहूर शख्सियात में फारूक खान लगारी, जो साबिक सदर पाकिस्तान है, मोहसिन नकवी, आसिफ सईद खोसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप इसको खूब जानते हैं, नासिर खोसा, लतीफ़ खोसा जो कि गवर्नर पंजाब रह चुका है, जुल्फ़िकार अली खोसा जो कि गवर्नर पंजाब थे, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साबिक वज़ीर आला पंजाब, सरदार उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब और जरताज गुल एमएनए शामिल हैं। यह अक्सरियत गरीबों के हैं, जिनको हमेशा सरदारों और ज़मींदारों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किए हैं। यह गुरबत की शरह बहुत ज़्यादा है, यानी 51% लोग खित्ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाई, 51% लोग यह जो
या वो जो ख़त ग़ुरबत है ना, उससे नीची ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने ख़ुद मुशाहदा किया कि वाकई यहाँ ग़ुरबत इंतहा को छू रही है। और इस पर मुस्तज़ाद ये कि महंगाई भी पंजाब के दीगर अज़ला की नस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह के वक्त इतने छोटे छोटे पराठे जिसके सिर्फ 3 नवाले बनते थे 50 रुपये का मिलता था, जो 4 पराठे खाकर आपको सिर्फ महसूस होता था कि मैंने कुछ खा लिया है। तो इससे मैंने अंदाज़ा लगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दे दी। इस तरह के मैंने वहाँ 2 हफ्ते गुजारे तो मैंने पूरा हालात मालूम किए। निस्बतन महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत गरीब है, इंसान को बहुत ज़्यादा तरस आता है लोगों की हालत को देखकर। अलबत्ता यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। हकूमती इदारे और म्यूनसिपल इदारे और डिप्टी कमिश्नर मुझे बहुत अच्छी कारकर्दगी वाले नज़र आए, क्योंकि मेरे अपने जाविये हैं जिनकी मदद से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ एक शहर का कि इसकी हकूमती परफॉर्मेंस कैसा है। इस हवाले से मैंने डेरा गाजी खान को बहुत अच्छा पाया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो हकूमती रेट है या हकूमती परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। यहाँ मैंने 2 हफ्ते गुजारे। यहाँ एक बड़ा मेला लगता है हर साल फरवरी के महीने में, और मैं दिखा रहा हूँ आपको उस मेले के कुछ झलकियाँ। और ये मेला लगता है शहर से बाहर सखी सरवर रोड पर एक सहरा में लगता है कुछ फासले पर, जहाँ घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं। इसका सालाना मेला होता है, सारे जुनूबी पंजाब से और मुल्क के दीगर इलाकों से भी घोड़े और ऊंट वाले आते हैं, यहाँ ख़रीदते हैं और बेचते हैं। और फिर इसके साथ बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि एक समाजी और सकाफ़ती मेला होता है, शो होता है, और उसमें बहुत से शो होते हैं, बहुत से परफॉर्मेंस होते हैं, कबड्डी होते हैं और नेज़ाबाजी होते हैं, इस तरह गुल दौड़ और मुख्तलिफ सकाफ़ती शो होते हैं इस जलसे में। और यह जो लोकल है ना, वो इस को जलसा बोलते हैं, जलसा, सालाना जलसा आप डेरा गाजी खान। तो इस तरह ये जो है यहाँ लगता है। यहाँ के लोग अच्छे हैं और मज़हब माइल लगते हैं। यहाँ की 2 चीज़ें बहुत क्लियर कट सकाफ़ती निशानी को ज़ाहिर करते हैं। एक ज़्यादा कपड़े वाला शलवार, यानी शलवार भी बहुत ज़्यादा कपड़ा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े वाला शलवार बनाता है, जिस तरह के ये सिंध में भी ये एक इसका जो रिवाज है सिंध में है, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन जुनूबी पंजाब में इन इलाकों में, ख़ासकर जुनूबी पंजाब के इन इलाकों में, यानी राजनपुर में, डेरा गाजी खान में और लिया में, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। फिर पंजाब के जो जुनूबी पंजाब के दूसरे इलाके हैं उनमें भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मसलन अब अगर आप ले लें जुनूबी पंजाब के मुल्तान या बहावल नगर, बहावलपुर, तो वहाँ भी ज़्यादा कपड़े वाला शलवार है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन इन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो है, जो ख़वातीन का बुर्का है उस पर एक गुंबद नुमासा आपको नज़र आता है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ बहुत नुमाया है। यहाँ अगर आप रात गुजारते हैं तो होटल्स मिलते हैं। ये जो डेरा गाजी खान का मेन लारी अड्डा है उसके साथ काफ़ी अच्छे होटल्स मिलते हैं, और प्यारी चौक के साथ भी, लेकिन यहाँ अड्डे के साथ आपको 1000 रुपये पर काफ़ी अच्छा कमरा मिलता है रात गुजारने के लिए। और यहाँ एक होटल में मैं भी रहा, बहुत अच्छा होटल था, वहाँ आप जा सकते हैं। डेरा गाजी खान शहर के मशहूर और मारूफ दरबार है हज़रत सखी सरवर, लेकिन ये जो है शहर से 47 किलोमीटर के फासले पर फोर्ट मंदोर रोड पे वाक़ है। तो अगर आपने फोर्ट मंदोर जाना है तो रास्ते में आपको सखी सरवर का मज़ार भी आएगा, जहाँ ज़ायरीन आते रहते हैं। और जुनूबी पंजाब में इस तरफ सबसे बड़ा दरबार है। डेरा गाजी खान के मशहूर मारूफ तारीखी और सियाहती मकामात अब मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्ट मंदोर जो कि एक हिल स्टेशन है, ये सबसे मशहूर सियाहती मकाम है। फोर्ट मंदोर ये एक हिल स्टेशन है जिसका मौसम भी
काफ़ी अच्छा होता है और डेरा गाजी खान शहर से तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस रोड पर फिर आगे आप बलूचिस्तान की तरफ आगे जा सकते हैं, यानी ये रोड आगे बलूचिस्तान की तरफ जाती है। फोर्ट मनरो एक ब्रिटिश ऑफिसर मनरो के नाम से मशहूर है, यानी फोर्ट तो किले को कहते हैं और मनरो उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था, तो उसके नाम से इस जगह को मंसूब किया है क्योंकि वो यहाँ आया था और यहाँ रहा था। ये फोर्ट मनरो जो है एक ज़बरदस्त सियाहती मकाम है और पिकनिक पॉइंट है। इस फोर्ट मनरो के साथ एक और काबिल दीद मकाम जो है वो यहाँ का स्टील ब्रिज है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। और ये ब्रिज जो है फोर्ट मनरो हिल स्टेशन को इर्द गिर्द के इलाके से मिलाता है। इस तरह डेरा गाजी खान शहर में डेरा गाजी खान ज़ू जो है ये बहुत मशहूर है, जिसमें तमाम काबिल ज़िक्र जानवर मौजूद है और फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक ज़बरदस्त सियाहती मकाम है। आप जा सकते हैं और इसकी सैर कर सकते हैं। इस तरह एक और जगह है, वो है टॉम ऑफ गाजी खान। टॉम ऑफ गाजी खान जो है डेरा गाजी खान का एक मशहूर टॉम है, मज़ार है और ये 18वीं सदी के एक मकामी रूलर एक हुक्मरान था गाजी खान उसका है और ये एक तारीखी और सियाहती मकाम है। तो ये थे तमाम मालूमात डेरा गाजी खान के बारे में। तो जब भी अगर आपको मौका मिल जाता है डेरा गाजी खान जाने का, तो आप न सिर्फ इस टूर को एंजॉय कर सकते हैं बल्कि इन तमाम जगहों की विज़िट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि मैं तो फरवरी के महीने में गया था। जब भी आप जनूबी पंजाब का टूर करते हैं तो हमेशा के लिए आप जो है ना दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना यहाँ टूर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में बहुत गर्मी होती है। बहरहाल आप मोतदिल महीने देख के आप जा सकते हैं, यानी मतलब है कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने मुनासिब है जनूबी पंजाब में सैर करने के लिए। तो अगर आपको पाकिस्तान के तमाम शहरों के बारे में, सियाहती मकामात के बारे में, तारीखी मकामात के बारे में, कल्चर, सकाफत और तमाम मालूमात चाहिए, तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान से अल्लाह हाफिज़।